एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मेथड थर्ड होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। होमोजीनियस इक्वेशन वेयर f1x, y एंड f2x, y आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ द सेम डिग्री। तो जैसे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, dy/dx इज इक्वल्स टू f1x, y अपॉन f2x, y। तो ये जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y इज इक्वल्स टू vx पुट कर देते हैं। एंड अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर फंक्शन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू वी इंटू, जब एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पर हो जाता है 1 और ये हो गया प्लस एक्स dv/dx। तो यहां से हमारा dy/dx हो जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स dv/dx v + x dv/dx। ये जो dy/dx है इसकी जगह पर हम यहाँ पे v + x dv/dx को पुट कर देंगे, dx पुट कर देंगे तो ये जाता है v + x dv/dx इज इक्वल्स टू, ये जो f1 है ये हो गया एंड ये जो x है एंड ये जो ये वाला y है इसकी जगह पर हमने ये vx कर देंगे एंड अपॉन f2x, ये जो ये वाला y है यहाँ पर भी हम vx पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो ये वाला v है इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल्स टू f1x, vx / f2x, vx माइनस v। ठीक है, इसको हम लिख देंगे fv माइनस ये जो ये वाला हमारा v है। ओके, तो यहां से क्या करेंगे, अब हम यहां से वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड था जो यहां से हम v के वेरिएबल्स को एक पास ले आएंगे एंड x के को एक साइड ले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है dv/fv - v इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है dx/x। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद में हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें हम वापस से यहां पर पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू vx, मतलब यहां से हम v की वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे तो v की वैल्यू यहां पर हो जाएगी y/x। ओके, तो इस टाइप से जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे अब होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर x dy/dx इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस का वाई है इसको हम इधर भेज देंगे तो यहां पे जाएगा x√x2 + y2 + y एंड ये जो हमारा x है इसको भी हम इधर भेज देंगे तो यहां से हमारा बचेगा dy/dx इज इक्वल्स टू x√x2 + y2 + y एंड जब ये वाला x आएगा तो ये हो जाता है x। अब हम ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वी एक्स को पुट कर देते हैं। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम इसको x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां से हमारा बचता है v + x dv/dx, ये dy/dx के इक्वल में आ जाता है। ठीक है, तो जहां पे हमारा dy/dx है वहां पे पुट कर देते हैं तो यहां पे हमारा हो जाता है v + x dv/dx इज इक्वल्स टू,
एंड ये वाला जो एक्स, इसको हम इसके नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाता है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, इसकी जगह पर हम वी एक्स पुट कर देंगे तो ये जाएगा वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, एंड ये जो हमारा अपॉन वाला एक्स है प्लस यहाँ पे भी वाई की जगह हम वी एक्स पुट कर देंगे, एंड ये जो हमारा अपॉन वाला ये वाला जो एक्स था वो वाला एक्स, इस एक्स से वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड इस वाले एक्स से वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंड यहां पर अब हमारा बचता है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, एंड ये जो ये वाला वी है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी, जो ये वाला वी, इस वाले वी से वाला वी कैंसिल, एंड अब यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा, एक्स के वेरिएबल्स को एक साइड एंड वी के वेरिएबल्स को एक साइड, यहां से ये वाला एक्स और ये वाला एक्स भी कैंसिल हो रहा है तो यहां पे हमारा बच जाएगा डीवी अपॉन रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला डीएक्स जो है वो यहां आ जाएगा, एंड अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, एंड ये जो हमारा v है इसकी वैल्यू हम वापस से ला करके पुट कर देंगे क्योंकि हमने y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था स्टार्टिंग में, तो यहां से हमारा जो v है वो हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहां पर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, एंड यहां से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस टाइप से ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर टू है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन एक्स, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, यहां पर भी हम वाई की जगह पे y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देंगे, सिंपली y डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा इधर है तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहां पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, ओके वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, तो डीवी अपॉन डी एक्स जो है हमारा लिखा हुआ था इसकी जगह पर हम वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स को पुट कर देते हैं, हो जाता है वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जो वाई है उसकी जगह पर हम यहाँ पे वी एक्स पुट कर देंगे तो ये हो जाता है प्लस एंड प्लस टेन, वाई की जगह पर हम यहाँ पे वी एक्स पुट कर देंगे, वी एक्स 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 यहां पर कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स एक्स यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचता है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस, यहां पे हमारा सिंपली बचा है खाली टेन वी, एंड ये जो ये वाला वी है इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारा बचता है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस, यहां पे हमारा था टेन वी एंड जो ये वाला वी था उसको हमने यहां पे लिया तो इस वाले v से वाला v कैंसिल हो जाएगा, एंड यहां पे अब हमारा सिंपली वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा तो यहां पे हमारा बचता है x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू टेन वी, ये यहां से हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा तो ये हो जाएगा dv अपॉन टेन वी इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log sin v इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस, यहां पर हम एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे ये हमारा हो जाता है लॉग सी, यहां पे हमारा बचेगा लॉग साइन वी, एंड यहां पे हमारा यहां पे एक हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा प्लस एम वाला एक फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये हो जाता है लॉग एम एन, तो वही वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा तो ये हमारा हो जाए यहां पे लॉग एक्स सी हो जाता है, लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे हमारा बच जाएगा साइन वी इज इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा, एंड वी की वैल्यू हम यहाँ पे वाई अपॉन एक्स पुट कर देंगे यहां से तो यहां पर हो जाएगा साइन
वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाता है एक्स सी। ये वाला हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वन प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करना होगा, इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर वन प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, ये जो ये वाला टर्म है इसको हम जीरो के इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाता है माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। एंड यहां से हम डी एक्स यहाँ पे है हमारा, यहां से हम डी वाई को इधर ले जाएंगे, एंड ये वाला जो वन प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई वाला टर्म है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, एंड ये जो हमारा वन माइनस एक्स अपॉन वाई, एंड जो ये वाला है वन प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई को हम यहां पे ले आएंगे, तो ये हो जाता है वन प्लस, एंड जो डी वाई है वो हमारा यहां आ गया। पहले के क्वेश्चन में हम वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते थे, बट अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई पुट कर देंगे, एंड अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। डी वाई इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहां से हमारा हो जाएगा वी प्लस वाई डी वी अपॉन dx अपॉन डी वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई जो हमारा ये जो dx अपॉन डी वाई था, अब इसकी जगह पर हम v प्लस वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई पुट कर देंगे, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर x बराबर हम यहाँ पे वी वाई पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वी वाई अपॉन वाई एंड वन माइनस, यहाँ पे x की जगह पर हम पुट कर देंगे वी वाई वी वाई अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज, एंड ये अपॉन में हो जाएगा हमारा वन प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई है, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो गया वी वाई अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज, तो इस वाई से वाला वाई कैंसिल हो जाएगा, एंड इस वाले वाई से वाला वाई इस वाले वाई से वाला वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर वी ब्रैकेट वन माइनस वी अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर वी। अब ये जो ये वाला वी है इसको हम इधर भेज देंगे, तो यहां पे बचेगा वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर वी वन माइनस वी अपॉन, ये हो गया अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर वी था, ये वाला वी जब इधर आएगा तो ये जाता है माइनस का वी, तो ये हमारा यहां से हो जाएगा जब हम इस वाले e टू दी पावर v के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो गया e टू दी पावर v, एंड जब माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा v इंटू e टू दी पावर v, एंड ये अपॉन में हमारा वन प्लस e टू दी पावर v, ये जो ये वाला हमारा माइनस का v था वो यहाँ पे आ गया। ओके हमारा बचेगा y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, एंड ये जो ये वाला स्टेप है इसको अब हम सॉल्व कर ले, तो यहां से हमारा बचेगा माइनस ई टू दी पावर वी प्लस v इंटू ई टू दी पावर v, एंड जब इस वाले टर्म की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के v से वन की कराएंगे तो हो जाएगा माइनस v, एंड माइनस v से इसकी कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का v इंटू ई टू दी पावर v अपॉन में हो जाएगा हमारा यहाँ पर वन प्लस ई टू दी पावर v, एंड ये जो ये वाला टर्म है वाले इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हमारा बच जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, एंड ये जो ये वाला टर्म है यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा e की पावर v प्लस का v अपॉन में बचेगा वन प्लस ई टू दी पावर v। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे, पार्ट है इसको हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वन प्लस ई टू दी पावर v अपॉन ई टू दी पावर v प्लस v ब्रैकेट क्लोज डी वी इज इक्वल्स टू, एंड ये जो ये वाला माइनस था ये हमारा हो गया डी वे अपॉन वाई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वाला पोर्शन है e की पावर v प्लस वी, इसको हम यहाँ पर t पुट कर देंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, पुट कर देंगे e टू दी पावर v प्लस वी इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे t पुट कर देंगे, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो e की पावर का होता है e की पावर v, एंड v का होता है वन,
एंड ये हमारा बाहर हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू डी टी। ओके, तो ये वाला पोर्शन देखिए ध्यान से, और ये वाला पोर्शन देखिए ये है, तो इसकी जगह पर हम डी टी पुट कर देंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन टी, ये हमारा इंटीग्रेशन, एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई, प्लस हम एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे जो हमारा हो जाएगा लॉग सी, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी, एंड यहाँ पे वही हमारा लॉग एम, यहाँ पे हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो कि एम अपॉन एन बेस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा लॉग सी अपॉन वाई, एंड यहाँ से लॉग लॉग दोनों साइड में तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, एंड टी की वैल्यू हम यहाँ पर पहले ही पुट कर चुके हैं, ई टू दी पावर वी प्लस वी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे ई टू दी पावर वी प्लस वी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, एंड वी की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पुट करी थी, v की वैल्यू ये वाली जो सेकेंड वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू ने, तो यहां से v की वैल्यू जो हमारी आएगी, तो यहां से हमारी v की जो वैल्यू वो हमारी हो जाएगी x अपॉन वाई। तो यहां पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c अपॉन वाई, ये हमारा हो गया आंसर।